तो अगली बड़ी खबर आ रही है बांका से, जो आपको बता दें कि राजस्व कार्यालय में कर्मचारियों की जगह दलालों का है जमावड़ा। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। बांका जिले के धोरिया प्रखंड अंतर्गत राजस्व कार्यालय के ऑफिस में कर्मचारी की जगह दलाल करते हैं अवैध उगाही व सरकारी कागजात का। उलट पुलट सूत्रों के अनुसार पता चला कि मोटेशन व रसीद कटाने के नाम पर राजस्व कार्यालय में कर्मचारी के दलालों के द्वारा अवैध उगाही की जाती है। धोरैया प्रखंड में कर्मचारी रहने के बावजूद ऑफिस में दलालों का अड्डा जमा रहता है। पूर्व में भी इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं, जिसको लेकर कार्रवाई भी हुई थी और कर्मचारी को बर्खास्त भी किया गया था, लेकिन कुछ दिन बाद फिर से दलालों का रहना सहना शुरू हो गया। आम आदमी को ठगने का काम किया जा रहा है, सरकारी रजिस्टर के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? डर लगता है, एक बात लोगों को भी सही से बोलते हैं, उनको गुस्सा लगता है, डर लगता है कहीं अगला साल उठवा ही ना देगा ये। तो हम लोग तो बहुत कुछ देख चुके चुनके, लेकिन सिलेक्शन में आकर उनको लगता है कौन क्या उखाड़ लेगा, जो करेंगे करेंगे हम ही, हमको न कोई कुछ कर सकता है न हटा सकता है। हमको तो ये भी डर है अगले यहाँ का जनपद देख कितने धरातल पे हैं। हमको तो यही लगता है, एक शेर मुझे याद आ गया राहुल इंदौरी साहब का, पत्रकार महोदय, इंसाफ जालिमों की हिमायत में जाएगा, यही दौर रहा तो फिर कौन अदालत में जाएगा। आज भी अपने क्षेत्र के लोगों के इंसाफ करो, वरना क्षेत्र को बर्बाद होने से कौन बचाएगा। मैं एक सरपंच प्रतिनिधि हो करके भी इंसाफ नहीं लोगों का कर पाता हूँ, कुछ इंसाफ जो अपने ढंग से होता है वो तो कर लेता हूँ, लेकिन जब किसी के जरिए से होना होता है ना, तो ऐसा तेल लगवाता है जैसे नई नई दुल्हन जो है ना दूल्हे का तेल, ऐसा तेल लगाना पड़ता है। थाना जाता हूँ, वहाँ भी ये समझता सरपंच सब आया है, इससे तो कुछ लेने वाला नहीं है, थाना दलालों से भरा है। ब्लॉक चले जाइए, वहाँ भी दलालों से भरा है, डायरेक्ट आपसे पैसे लेने देने की बात नहीं करेगा, लेकिन दलाल के जरिए से पैसा लेता और देता है, इस बात की जानकारी मुझे है। मैं दावे के साथ, मेरे साथ तो नहीं हुआ है, लेकिन मेरा एक अनुमान है और जो मैं लोगों की आवाज़ें सुनता हूँ उस आवाज़ पर बोल रहा हूँ। अपना परिचय जी, मैं काठबनगांव बिरबलपुर पंचायत से बिलोंग करता हूँ और उस पंचायत का मैं सरपंच प्रतिनिधि हूँ, काठबनगांव का रहने वाला हूँ, लेकिन मेरा एक ही सोच है कि क्षेत्र में जब भी कोई भ्रष्टाचारी होगा उनके खिलाफ हम कार्रवाई करवाएंगे, और जब भी कोई भ्रष्टाचार होता होगा मैं वहां जाकर के खड़ा रहूंगा, और मेरा कोशिश यही है कि सबके साथ इंसाफ हो और हक और सच का जीत हो।